हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। तो कल वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना एंशिएंट हिस्ट्री पेपर वन यूनिट वन के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर आपका जो सेकंड सेमेस्टर का है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। इस प्रकार हमने उसमें समझाने का प्रयास किया था, हर एक प्रश्न के नीचे उत्तर के साथ साथ उसकी व्याख्या को भी रखा गया था। ये बाईलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न यहाँ से कुछ स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा युग प्रयोग किया जाता है। तो आपने सबसे अधिक देखा होगा मेरे भाई 78 AD, ठीक है। तो 78 AD कौन सा है? साकास का है, तो साका का यूज़ किया जाता है। विक्रम संवत के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये यूज़ नहीं किया जाता हमारे भारत सरकार के द्वारा। साका एरा यानी कि 78 AD को किया जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर है, गांधार आर्ट। भाई ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछ रहा है, यानी कि गांधार कला में महत्वपूर्ण जो विशेषताएँ हैं हमको वो बतानी है, यानी कि जो उसके फीचर्स हैं वो बताना है। वो तो उसमें कुषाण के टाइम के पीरियड की बात है, और कौन सी गांधार कला में, ठीक है। तो गांधार कला किसके टाइम की बात है, तो याद रखना कुषाण के टाइम की बात है। और कुषाण के फाउंडर कौन थे ज़रा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, कल पढ़ा दिया हूँ मैं, अगर आपको याद है तो जल्दी बता दीजिए कि कुषाण के फाउंडर कौन है, यानी कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। साकास के बारे में अभी आपको बताया कि जो हमारा 78 AD है वो साकास का ही युग है, और उसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे ऑफिशियली एरा मानती है, ठीक है। सातवाना सुंगा डायनेस्टी के बारे में पता है, सुंगा पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया। सुंगा डायनेस्टी की फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, ठीक। और इनके पुत्र थे अग्निमित्र, जिनके ऊपर आपने मालवी अग्निमित्रम जिसको कालिदास के द्वारा लिखा गया उसके बारे में भी आपने पढ़ा था, वो प्रेम कहानी है। तो मेरे भाई क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, जैसे कि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम मालवी अग्निमित्रम, या फिर आपसे पूछ ले मालवी अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई, इसमें हीरो कौन था, तो आप ये बता देंगे कि अग्निमित्र थे। अग्निमित्र कहाँ के थे, तो कहाँ के राजा थे, तो आप ये भी बता देंगे विदिशा मध्य प्रदेश के थे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। हु वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग डायनेस्टी के फाउंडर है, ये पता है आपको, शुंग डायनेस्टी के संस्थापक हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि उसी काल पर साथ में, तो याद रखना पतंजलि थे। और पतंजलि के बारे में आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा महाभाष्य, ये पुस्तक किसकी है? पतंजलि की। कौन सी? ये इंग्लिश में नहीं है क्या? हिंदी में नहीं है शायद, कोई दिक्कत नहीं, इसको करवा देंगे। तो पतंजलि की पुस्तक है जिसका नाम है महाभाष्य, या नीचे लिखा है महाभाष्य पुस्तक है इनकी। और कालिदास के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने मालवी अग्निमित्रम को लिखा है, और ये ठीक है अग्निमित्र के प्रेम कहानी के बारे में लिखते हैं। हेलियोडोरस कौन है? तो हेलियोडोरस उस टाइम पर घूमने के लिए विदेश में आए थे, मतलब राजदूत थे ये किसी देश के, इसके बारे में भी कल हम लोग बात कर चुके हैं। वासुदेव कौन है? जिन्होंने सुंग डायनेस्टी को ख़त्म किया था वो वासुदेव है। और सुंग डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन थे ज़रा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। प्रश्नों का उत्तर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उनका उत्तर अगर आप लोग देंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। हु रोट द महाभाष्य? पुस्तकों के बारे में इस प्रश्न आपसे एक से दो पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, और मैंने बता दिया आपको, जैसे कि आपकी एक पुस्तक है मालवीय अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई है, आपकी यहीं पर हम बात करें राज तरंगिनी तो कल्हण के द्वारा लिखी गई है, यहीं पर हम बात करें महाभाष्य तो पतंजलि के द्वारा लिखी गई। जल्दी से आप लोग बता दीजिए पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आता है तो ज़रूर उत्तर दें, और इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी पुस्तकों के बारे में जान लिया कि महाभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, पतंजलि के द्वारा लिखी गई, इनको योग गुरु भी जानते हैं, ठीक है। और अभी आपने पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी देखे ही होंगे, तो पतंजलि एंशिएंट टाइम के ही एक ऋषि थे, ठीक है, उनके बाद में याद रखना। हु वर द वैशल ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश के जागीरदार कौन थे? जागीरदार कौन होते हैं, मतलब जो कि पैसे वाले लोग होते हैं, और एक सोसाइटी में स्टेटस होता है जागीरदार, जमींदार, ये सुने होंगे आपने। तो सातवाना डायनेस्टी जो थी वो कौन थी? मौर्यन डायनेस्टी के जागीरदार थे, मौर्य डायनेस्टी में जागीरदार थे। अगर मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और यहाँ पर आपने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक नाम सुना होगा मेरे भाई, कौटल्य। कौटल्य कौन है? जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है, अब आपको एक पुस्तक और पता चल गया अर्थशास्त्र, और उन्हीं के टाइम पर एक इंडिका पुस्तक लिखी गई थी जो मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री थे उनके द्वारा लिखी गई थी।
तो अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मतलब गवर्नमेंट को कैसे रन करना होता है, शाम दाम दंड वेद, ये सारी चीज़ आपने सुनी होंगी, तो उन पुस्तकों के बारे में लिखा है। उसी तरीके से आपको पता है मगध डायनेस्टी क्या है, मौर्य डायनेस्टी क्या है, गुप्त डायनेस्टी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ा दिया गया। साथ ही एक बात बताइए, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी करवा सकता हूँ, यानी कि पूरा आपको पहले चैप्टर वाइज समरी पढ़ा दूँ और उसके बाद इसके प्रश्न करा दूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो अपने भाई को फॉलो कर लेना, रोहित तोमर AU, और टारगेट गुरुकुल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर आप सभी की खिदमत में हाजिर हैं और इसी प्रकार आपकी सेवाएँ करते रहेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर जल्दी से दे दीजिए, विच ऑफ विच वर टू मेजर सिटीज़ इन सातवाना एम्पायर। सातवाना उसके टाइम पर, यानी कि दो प्रमुख शहरों की बात करें तो मेरे को याद रखना, वैजंती और अमरावती। अमरावती आपने नाम सुना होगा, ये आपकी 16 महाजनपदों में भी थी, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये थी। उसमें कौन सी थी, वैजंती और अमरावती, ये दोनों नाम जरूर याद रखने। सातवाना डायनेस्टी के बारे में जो फाउंडर हैं उनके बारे में याद रखना, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज यूज इन इंस्क्रिप्शन, अशोक के बारे में पूछ रहा है भाई, अशोक के जो शिलालेख थे उनमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो मेरा याद रखना प्राकृतिक भाषा प्रयोग हुई है, ठीक है। अशोक कहना तो मौर्य साम्राज्य के सर सबसे कहते सम्राट अशोक थे, और इनका एक युद्ध आपको बताओगे कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है, और इनकी एक बेटा और एक बेटी होता है जिन्हें वो प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं, ठीक है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जानते थे, ये भी याद रखना, और इनकी जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन को पढ़ने वाले व्यक्ति थे वो जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है, ये भी रखना, जेम्स प्रिंसेप। समझ आ गई मेरे भाई भाई। चलिए यहाँ पर एक पुस्तक का नाम आ गया राज तरंगिणी। सर अभी जिसकी आप बात कर रहे थे राज तरंगिणी, मैंने आपको बताया कि राज तरंगिणी एक संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, वैसे मोस्ट ऑफ बुक हैं संस्कृत में लिखी गई, एंशियंट टाइम की संस्कृत में लिखी गई पुस्तक, और इसमें जो बात मिलती है मेरे भाई वो किसके बारे में, कश्मीर का इतिहास मिलता है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया है, ये चीज़ अभी आप याद रखना। और इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो कल्हण के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, कल्हण के द्वारा लिखी गई, ठीक है। कानवा डायनेस्टी के बारे में पूछ रहा है कि कानवा डायनेस्टी कब से कब तक रही, तो आपको पता है पहले सुंग थी और सुंग को ख़त्म करने के बाद आई थी कानवा डायनेस्टी, और इसके बारे में मैंने बताया था 285 से लेकर 73 तक रही है, तो 73 से 28 तक कौन है, कानवा डायनेस्टी रही है, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाएगा कि कानवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, बार बार एक ही चीज़ को अगर मैं रिपीट करूँगा तो आपको भी बोरियत फील होगी, मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग भी प्रश्नों के उत्तर देते रहें। द शुंग डायनेस्टी हैड मेड द ऑफिशियली रिलीजन ऑफ दियर किंगडम, यानी शुंग डायनेस्टी ने अपने राज्य का राज्य धर्म क्या बनाया। आपको पता है कि विभिन्न विभिन्न राजाएं आते थे और विभिन्न विभिन्न राजधर्मों में विभिन्न विभिन्न धर्मों को अपनाया जाता था, जैसे आपने आजीविका को भी सुना होगा, बुद्धिज्म को सुना होगा, जैनिज्म को सुना होगा, ये आपको मौर्य साम्राज्य के अंदर देखने को मिलता है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, वहीं पर आप देखेंगे तो किसी ने आजीविका को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म ऐसी चीज़ों को अपनाया, तो यहाँ पर याद रखना इन्होंने ब्राह्मणिज्म को अपनाया था, किसने, तो याद रखना शुंग डायनेस्टी के जो थे, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग, और आखिरी रूलर कौन है, देवभूति, यही है ना, आखिरी रूलर कौन है, देवभूति। चलो एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं, अगर कोई भूल गया हो तो कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल सर। मौर्य साम्राज्य को पता है आपको बृहद्रथ को मारने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी, ये तो आपको बताइए, पता है कि नहीं। अब मैं एक प्रश्न जो था वो पता करना था उनको, अग्निमित्र शुंग तो आपको बताइए कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, शुंग डायनेस्टी 185 से लेकर 73 तक चली, और 73 से 28 तक कौन चला है, तो आपको पता है कानवा डायनेस्टी चली है, ये भी अच्छी बात है, आपको इतनी चीज़ें बताया, तो आपको पता है कानवा डायनेस्टी कब आई, तो मैंने बताया देवभूति आखिरी रूलर थे, किस डायनेस्टी के आखिरी रूलर हैं, और वासुदेव इसके फाउंडर हैं, क्योंकि उन्होंने देवभूति को मारने के बाद में कानवा डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो चलिए इतना रहा इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और आगे के प्रश्नों की चर्चाएं करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर साथियों अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक के तो चल ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी के भी प्रश्नों को हल कराया जाए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको अवगत करा सकते हैं और आपके जो प्रश्न हैं वो करा दिए जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ वीडियो जुड़ने के लिए, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।
अगर अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ टारगेट सेमेस्टर और टारगेट सेमेस्टर लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको भी सब्सक्राइब करना है, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप सब जगह आपको जुड़ जाना है, जिससे आने वाले नोट्स नोटिफिकेशन सारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।